सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय चैनल ऑल इन वन विद इमान फातिमा। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी चिकन पास्ता सॉस। थ्री जो इंग्रीडियंट चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड सॉल्ट, 2 कप ऑफ पास्ता, रॉ पास्ता, कैबेज, चिली सॉस, टोमेटो केचप, विनेगर, ऑयल, सोया सॉस, कैप्सिकम, कैरेट्स एंड चिकन। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, मैंने पानी ले लिया जो मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये देखिए, अब मैंने इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑफ ऑयल ऐड कर दिया है और पानी मेरा अच्छे से बॉईल हो चुका था और मैंने इसमें अब 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। सो अब मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है जो कि था 2 कप पास्ता। मैंने रॉ पास्ता लिया था और अब हमने इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो अच्छे से सब इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स कर लें और इसको आपने बॉईल कर लेना है 6 to 7 मिनट्स के लिए। गाइस, आप मुझे कमेंट में आज बताइएगा कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है। मैं उस पर भी इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑयल जो था 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ऑयल आप ऐड कर दें। और मेरी कढ़ाई गर्म थी, ये देखें, अच्छे ऑयल भी गर्म होना स्टार्ट हो गया। सो मैं इसमें 1 टीस्पून ऑफ गार्लिक पेस्ट मैं ऐड कर दूंगी। मैंने गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया जो कि था 1 टीस्पून और इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, मतलब कि जब तक इसका कलर ब्राउन, लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता तब तक मैंने इसको पकाना है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये देखें, गार्लिक का कलर चेंज हो चुका है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन जो कि था 1 कप। देखिए, 1 कप चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो कि मैंने क्यूब्स में काट लिया था। आपने भी क्यूब्स में काटना है और इसको भी मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इसका कलर नहीं चेंज होगा, इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता तब तक मैंने इसको पका लेना है। तो अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। मैंने इसे कवर कर दिया है, देखें, और ये देखें अच्छे से गल चुका है और मैंने इसकी लिड हटा दी है। देखें, आप देख सकते हैं इसका कलर भी बिल्कुल पहले से बहुत डिफरेंट लग रहा है और ये बिल्कुल गल चुका है, अच्छे से ये गल चुका है। और चलिए हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। तो इनको भी आप इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। और यहाँ पर मैंने डाल ली है आप कैरेट्स जो कि मैंने 1 कप ली थी, ये भी मैंने क्यूब्स में कट की हुई थी, आप देख सकते हैं। मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा गाइस कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है या गार्डनिंग, जो भी आप को पसंद है, जिस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे आपके लिए। गाइस, ये देखें कितने अच्छे से पक रहा है, देख लें। सो ये देखें हमारी वेजी टेबल जो मैंने इसमें ऐड की थी कैरेट, वो भी अच्छे से, ये देखें, इसके साथ गल चुकी है। और ये देखें चिकन भी कितना खूबसूरत लग रहा है, पक चुका है चिकन अच्छे तरीके से। तो
तो अब बाकी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देते हैं, जिसमें थी कैप्सिकम को आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, यानी कि शिमला मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको अच्छे से अब मैं इसके साथ मिक्स कर लूँगी। ये देखें, गाइस आप पूरी वीडियो देखा करें, अगर आप नहीं देखेंगे तो शायद आपकी रेसिपी ख़राब भी हो सकती है आपकी डिश। तो मैंने अब इसमें कैबेज ऐड कर दी है, जो कि 1 बाउल। देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और आपने जो सब्ज़ियाँ हैं वो आपने पूरी तरह से गलानी नहीं है, खड़ा खड़ा रखना, थोड़ा थोड़ा आपने इसको कच्चा कच्चा ही रखना है, पूरी तरीके से हमें सब्ज़ियाँ पकानी नहीं है। तो ये देखें, देखिए मैंने इसमें कैबेज भी ऐड कर दी है और ये देखें कैबेज भी जितनी हमने पकानी थी उतनी पक चुकी है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट्स अब ऐड कर देते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विनेगर 2 टेबल स्पून, जो मैंने लिया था, मैंने सिरका इसमें लिया था 2 टेबल स्पून और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब मैंने सोया सॉस भी मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने लिया था 2 टेबल स्पून, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया था और इसको मैंने ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लें। और मैंने अब चिली सॉस लिया था 2 टेबल स्पून और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अच्छे से ऐड कर लें। चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून मैं लिया था और सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है और अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें। और अब मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया है, जो कि मैंने लिया था 2 कप पास्ता और मैंने इसे बॉईल कर लिया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है पास्ता, 2 कप पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था और मैंने इसमें अच्छे से ऐड भी कर दिया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। देखें मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये देखिए अभी से कितना अच्छा लग रहा है, ये टेस्ट। तो ये देखिए, आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और मैं टोमेटो केचप मैंने ऐड कर दिया है, वो भी था मेरे पास 2 टेबल स्पून, टोमेटो केचप मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखें सब इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें और ये देखें ये बहुत ही यम्मी बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने ये घर में बनाया और आपको ये कैसा लगा। ये मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। ये देखें इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो फॉलो करना है, जैसे मैंने बनाया सेम आप वैसे करेंगे तो आपका बहुत ही यम्मी पास्ता आपको बनेगा। और जो मेरी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें मेरी वीडियोस को और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी किए करें। गाइस मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ, ये देखें अभी से कितना अच्छा लग रहा है। देखिए गाइस देखें तकरीबन ये रेडी है, सो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। सो गाइस ये मैंने डिश आउट कर लिया और ये देखिए कितना यमी लग रहा है, यमी एंड टेस्टी लग रहा है। और देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत है, ये देखिए माशाल्लाह से अलग ही शान, देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। गाइस ज़रूर इसे ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़।